नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। भोपाल सीहोर समेत कई जिलों में ओले गिरे, 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी। छिंदवाड़ा में मूसलाधार बारिश, 34 जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश में ओले बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। मंगलवार को भोपाल सीहोर नर्मदापुरम समेत कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। भोपाल इंदौर सहित 6 शहरों में चलेगी 552 ई बसें, कैबिनेट की मोहर। एमपी के टूरिस्ट प्लेस पर शुरू होंगी हवाई सेवाएं। मध्य प्रदेश के 6 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पूर्व डीजीपी की नातिन अक्षय हत्याकांड की गवाह पर फायरिंग। ग्वालियर में स्कूल जा रही टीचर को नकाबपोश ने रोका, 2 गोलियां चलाई। ग्वालियर में पूर्व डीजीपी सुरेंद्र यादव की नातिन अक्षय की हत्या की गवाह पर फायरिंग हुई। सीएम बोले, सरकार के लिए उच्च शिक्षा विभाग सबसे पहले। भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वर्कशॉप। मंत्री परमार ने कहा, सिकंदर महान पढ़ना गलत इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ज्ञान को किसी सीमा से बांधा नहीं जा सकता। त्रिग्वेद में कहा गया है, एमपी में ओलों से गिरी गेहूं चने सरसों की फसल। इटारसी में 500 ग्राम तक के ओले। बैतूल में सर्वे शुरू, खंडवा छिंदवाड़ा में भी नुकसान। मौसम में हुए बदलाव ने मध्य प्रदेश में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कमलनाथ बोले, आप ही कर रहे मेरे मुंह से कभी सुना। भाजपा ज्वाइन करने की अटकलों पर कहा, आप चलाते हो फिर मुझसे पूछते हो। 17 से 19 फरवरी तक चली दल बदल की अटकलों के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ मंगलवार को पहली बार छिंदवाड़ा पहुंचे। बड़वानी जिले में आरटीआई में प्रवेश को लेकर कम होने वाली पालकों की रुचि। महंगी शैक्षणिक सामग्री और स्कूलों की दूरी बनने लगी कारण। पिछले वर्ष खाली रह गई थी 1889 सीटें। शुरू, जीतू पटवारी ने बताया, राहुल गांधी मुरैना से क्यों शुरू करेंगे न्याय यात्रा। भाजपा पर किया कटाक्ष। पत्नी से विवाद में जीजा ने साले के घर में लगा दिया आग। 7 वर्षीय बच्ची की जलकर हुई मौत। महाशिवरात्रि के लिए तैयार महाकाल की नगरी। मंगलनाथ और अंगारेश्वर मंदिर में 9 दिनों तक दिखेगी धूम, नहीं होगी भात पूजा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।